कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, बेहतर हूँ आपका मेरे तौर पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम स्कूल से और आज मैं गई थी बाजार, तो वहाँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया वो तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा थी और भीड़ भी ज़्यादा ही चल रही है आजकल, मार्केट में बहुत भीड़ चल रही है इतनी भीड़, और ये लग रहा था कि कोई मोबाइल लेके ना मेरा भाग जाए। तो ये सब चीज़ों में डर मुझे लगता ही लगता है। मैंने बहुत बार आपसे बात दसी रखी है कि मार्केट में जो हम लोग निकलते हैं ना, तो ये रहता है कि हम लोग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या तो फिर कोई दूसरा बना रहा हो तो इतना ध्यान रहता है कि हाँ, जो सामने वाले का भी ध्यान रहता है, बात करने में भी ध्यान रहता है, बनाने में भी ध्यान रहता है, लेकिन जब खुद बना रहे होते हैं ना तो फिर ध्यान नहीं रहता है, और कोई अगर लेके चला गया तो बहुत बड़ी डर हो जाती है। तो आज मार्केट में की है मैंने शॉपिंग। तो क्या शॉपिंग की है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाहर पड़ोसन के यहाँ कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ से जो आवाज़ आ रही है ना, ड्रिल मशीन की, तो बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। तो अभी मन था मैं फटाफट से बना लेती हूँ व्लॉग, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद आपको पता ही है मेरा फिर क्या रहता है। तो आज मैं क्या क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी आपको ये इस बार मैं ये वाली बोतल लाई पानी, ये जो बोतल है ये मेरे रसोई में भी काम आ जाए करेंगी। वैसे भी जैसे गर्मियाँ खत्म होती है तो वैसे भी हम इनको यूज कर सकते हैं। और पता है वैसे वाली बोतल ले तो लेते हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा है कि अब कोई कहीं कोई लेके चला जाता है, कभी कोई मना भी नहीं कर पाते, तो वो सारी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा फिर क्या होता है कि हम हर साल बोतल चेंज करने को मन करता ही करता है, कॉस्टली बोतल लेते हैं तो फिर वो रहता है कि भाई हर साल या तो कोई लेके चला जाता है या फिर हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरीके की होती है कि हमें चेंज करनी पड़ती, तो फिर हम इतना पैसा क्यों वेस्ट करें। तो ये बोतल ऐसी है जो मुझे अच्छी लगी कि इसमें हम जाते तो पानी ज़्यादा आएगा, उसको हम रसोई में भी जैसे बाल्टी वगैरह में तो हम लोग रखते रहते हैं, लेकिन काम करते वक्त यूज करते हैं या भर के रख देते हैं, तो आसानी से इसमें एक डेढ़ लीटर पानी आता है। जैसे कि आपने मुझे देखा होगा कि मैं लोटे में भर के रखती हूँ, बाल्टी खोलने का भी मुझे आलस आता है, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो आप बताइएगा कैसी आपको कैसी लगी है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं इन्हें ले आई हूँ, और क्योंकि नीचे वाले फ्रिज के नीचे वाले उसमें आती है तो चार से ज़्यादा नहीं आ पाती, क्योंकि ये थोड़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ऊपर वाले में आएंगे नहीं, तो इसीलिए चार ही लेकर आए हैं। तो ये देखिएगा ये है इसमें का, तो कलर इसमें और थे नहीं, बस दो कलर है इसमें, और ये दोनों ये दोनों एक ये है, ये तो दोनों सेम कलर है ही ना, ये तो दोनों सेम कलर है, और इसमें एक कलर है और ना ये तो और आ गया मेरे हाथ में, तभी मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको ये वाला, ये दोनों ही चार कलर ये दो कलर थे इसमें, तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, दो इस कलर की ले लेती हूँ, दो इस कलर की ले लेती हूँ। तो कैसे लगी आपको ये देखिएगा, ये कलर की ये हुई, और इसमें थी ये बोतल, और कहाँ से खोलूँ, कहाँ से लगता कहाँ के अरे बाबा, इसीलिए तो चश्मा उतारना पड़ता है मुझे। सभी लोग बोलते हैं चश्मा पहन कर काम करना, उससे जो है पास की चीज़ों के लिए मुझे चश्मा करना पड़ता है हमेशा ऊपर। तो ये देखिएगा दो बोतल ऐसी है और दो बोतल इस तरीके की। तो कैसे लगी आपको मेरा वही बताइएगा, और मैंने इतनी बड़ी बोतल पहली बार ही ली है, तो देखती हूँ उनका यूज़ कैसा रहता है। काफ़ी अच्छी बोतल है, और इनका प्राइस ये अब कैसे बताऊँ, ये बुक मार्केट से है तो इस वजह से इसका रेट इस टाइम पे 70 रुपये है एक बोतल का, और वैसे मैंने मार्केट में इसका रेट पता किया था तो 110-120 के करीब इसका रेट है, तो तब तो मैं इसे नहीं लेती, लेकिन सेम पानी की बोतल की रेंज में ये मिल रहे थे, तो मुझे मैंने कहा चलो इस बार नहीं यूज कर लेती, क्योंकि जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो एक बोतल पानी से भी होता नहीं है, तो ये ठीक रहेगा। हाँ, और एक चीज़ मैं ये लेकर आई थी, मेरे ना ये स्प्रे बोतल पे भी ये जो बोतल है इससे मैं क्लीनिंग करती हूँ, फ्रिज वगैरह साफ करती हूँ। ये देखिए ये जो है ख़राब हो गया इसका, बिल्कुल ये सब चीज़ ख़राब हो रहा था, तो काफ़ी टाइम से मुझे इसका यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ, मैंने ये वहाँ पर देख भी ली थी,
मैंने कहा चलो इसको भी लेके चलती हूँ, तो इसको तो मैं नहीं इसमें यूज करूँगी, दूसरा बनाऊंगी। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि मैं इसमें उसका सोडे का, विनेगर का और विम का एक लिक्विड बनाती हूँ, जो मैंने शायद कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। उसके उससे मेरे टाइल वगैरह साफ करने में मेरे को मतलब मान लो जैसे मान लो मैं काम कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, तो तुरंत ही थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे किया और सफाई मेरी चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये किसी हो या वो किसी हो, तो बहुत ही अच्छा वो मतलब क्लिनिक है। तो मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं फिर क्योंकि बनाती तो रहती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बनता है कि उसको अभी ये है, और ये बार बार इसमें से ना ये ख़राब हो रहा था। तो मुझे जब भी इसको मैं यूज़ कर रही थी तो मैं बार बार इसको निकाल के फिर इसको इस तरीके से यूज़ कर रही थी, तो सफाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो ये देखिएगा बिल्कुल इसकी ये बिल्कुल ना काम ही नहीं कर रहा है। अब इसको मैं सोच ही रही थी कि मैं कब लेके आऊँ, लेकिन वो हर चीज़ का टाइम होता है ना, आप किसी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो हमें वो चीज़ उस टाइम पर नहीं मिलती है, लेकिन जिस टाइम पर हम कुछ और ख़रीदने जाते हैं तो उस टाइम पर वो चीज़ मिल जाती है। तो ये अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। कुल मिला के ये बोतल मुझे मिल गई, कॉस्टली है, ये है 60 रुपये की बोतल, 60 रुपये की बोतल है, और 60 रुपये की बोतल में इससे अच्छा तो फिर मैं यही कॉलिन ले लेती, कॉलिन भी 60-70 रुपये का बैठता, लेकिन चलो कोई नहीं, इसके लिए भी मुझे बोतल चाहिए ही चाहिए थी। और ये बोतल कैसी लगी है, अच्छी लग रही है ना बोतल, तो गुड़िया पूछ ली, गुड़िया खड़ी है यहीं पर, तो ये देखिएगा ये बोतल मैं आज लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों की बात कर दी शेयर, वैसे भी बहुत सारी बातें करती हूँ, बातें करते करते इतना टाइम हो जाता है कि पूरा ब्लॉग बन जाता है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग रहेगा यही रहेगा, क्योंकि तो मुझे पता है इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया होगा। तो बस ये चीज़ें मैं आज लेकर आई हूँ, और मैंने लाई हूँ अमरूद और क्या लाई हूँ, बस यही चीज़ें लेकर आई हूँ, एक अमरूद लेकर आई हूँ, एक ये है, और लेकर आई हूँ मट्ठा, क्योंकि आजकल मट्ठा बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ना चाय वगैरह पीने को मन नहीं कर रहा है। शाम के टाइम बेटा भी आता है घर में ना, तो वो भी बोलता है मम्मी आजकल चाय पीने को मन नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने मट्ठा लेकर आई, यहाँ जो आसपास की दुकानें हैं ना वहाँ कॉस्टली मिल जाता है, 10 रुपये वाली चीज़ ही 12 रुपये की 15 रुपये की मिलती है। तो जब हम मार्केट निकलते हैं तो सोचते हैं कि चलो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें भी ले ही लें लगे हाथ। तो ये सब चीज़ मैंने आपको आज दिखाई है, तो आप बताइएगा कैसी लगी हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल की मुझे आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, यानी मेरे चैनल है ना। और जब आप लोगों का साथ है तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसके लिए मैं बनाऊँगी अलग से स्प्रे, ये वाला स्प्रे इसमें नहीं डालूँगी, इसको मैं वैसे ही यूज कर लूँगी, और जब स्प्रे बनाऊंगी ना तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और बाकी मैं बिल्कुल क्योंकि ये जो चीज़ हमारा टाइल वगैरह का होता है ना, ये ऐसा भी नहीं होता है कि हमें हफ्ते में साफ़ करना हो या महीने में साफ करना हो, ऐसा नहीं होता है, ये तो हमें डेली ही हाथ मारना होता है। तो डेली अगर हमने एक हल्का सा स्प्रे मार दिया और एक कपड़ा मार दिया तो टाइल बिल्कुल चमकती रहती है, और कभी हमारे साथ ऐसा भी हादसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी लगती है। आपको पता होगा ना, देखो आप देख सकते हैं कि मैं वैसे भी बहुत बीमार रहती हूँ, और मेरा काम अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा भी मेरे साथ रहता है, कई कई हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। और तो उसके बावजूद भी टाइल बिल्कुल साफ़ सुथरी है, क्योंकि है ही कितना इतना ही एरिया है, तो फिर भी इतने एरिया भी लोगों के बहुत गंदे गंदे रहते हैं, तो साफ करने के ऊपर बात है, अपनी मन की ऊपर बात है कि किस तरीके से रखना चाहिए, है ना। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, तो कि हमारी किचन हमारा घर साफ़ सुथरा होता है तो हमारा मन अपने घर में लगता है। और जैसे मैं भी ना, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि मैं सुबह जल्दी चली जा रही हूँ, मैं 7:30 बजे चली जा रही हूँ, क्योंकि 8 बजे का मेरा स्कूल है, तो मेरा बेटा मेरे बाद जाता है, तो उसके बाद जब मैं घर आई हूँ ना तो उसके बाद घर की हालत देखने लायक है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तब तक वो आराम से इतना इधर उधर, तो उसने कहीं तौलिया फेंका हुआ है, कहीं अपनी बनियान फेंकी है, कहीं टी शर्ट फेंकी है, कहीं पजामा फेंका है, तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसती हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो सब समेटना और उसके बाद फिर कुछ खाना पीने के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारा घर साफ़ सुथरा होता है, जैसे अगर हम लोग अंदर एंट्री करें और घर में तो साफ़ सुथरा मिले तो बहुत ही सुकून मिलता है, आँखों को भी अच्छा लगता है,
सुबह के टाइम तो ये होता है कि हाँ हमें काम करना ही करना है, मतलब वो मुझसे पहले जाता है ना, तो उसमें ही होता है कि भाई चलो उसको जाना है, उसके बाद मुझे सारा क्लीन करके जाना है, जब मैं घर आती हूँ तो मुझे साफ सुथरा मिलता है। लेकिन आजकल कुछ दिनों से तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, यानी होली के बाद से ही मेरा टाइम जल्दी का हो गया, उसका वही टाइम है, तो वही घर की हालत मुझे मिल रही है। मुझे घर में कपड़े कपड़े फैले हुए हैं मेरे बेड पे, और कोई कुछ कहीं पर टंगा है, कोई कुछ कहीं पर टंगा है, तो कुल मिलाकर बातें पूरी होने की नहीं है, बातें जो भी चलती रहेंगी। तो इसी के साथ करते हैं आज की ब्लॉग का एंड, और बने रहिएगा आप मेरे साथ में ब्लॉग के साथ हमेशा, और सपोर्ट भी कीजिएगा, और मतलब ये भी बताइएगा कि किस तरीके के ब्लॉग आपको पसंद है, किस तरीके के मैं बना सकती हूँ, नहीं बना पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का सजेशन मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, तो आप लोग बताइएगा जरूर। और अभी मैं इन बोतलों को अच्छे से पानी में वॉश करूँगी, और अभी गर्मी तो बहुत हो गई है, रख देती हूँ हल्का हल्का सा, एक दो बोतल बाहर रखती हूँ, एक दो बोतल फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मैंने उस तरीके की बोतल में रखती हूँ ना पीने के लिए पानी, क्योंकि बार बार जग का लुढ़कना उड़कना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बैठते खाते हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी रख लेते हैं, तो ये बोतल वैसे भी अच्छी लगने वाली है। तो अभी मैं इनकी करूँगी धुलाई, पहले खा कुछ लूँ, कुछ खा पी लूँ। और आज तो रोटी भी बनी हुई नहीं है, सुबह बनाई थी मैंने फूल गोभी की सब्जी, और अब बनाती हूँ रोटी अपने लिए, थोड़ा सा आराम करने के बाद पानी मैंने पी ली हूँ, और फिर करते हैं अगला ब्लॉग स्टार्ट। इस ब्लॉग को मैं करूँगी एडिटिंग, और क्योंकि एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जैसा है वैसे ही डालना है, कोई ऐसा कुछ करना ही नहीं है इसमें, और क्योंकि कुछ है ही नहीं रसोई के अलावा। तो अभी मेरे एक नए सब्सक्राइबर हैं जो, तो वो बोल रहे थे कि दीदी हमें आपकी रसोई ऐसे लगने लगी जैसे हमारी अपनी रसोई होगी, क्योंकि आप जब तक जहाँ देखो आप रसोई भी मिलती हैं, तो रसोई बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे हमारे पार्ट हो। तो क्योंकि जब भी आपका ब्लॉग आता है तो रसोई फिर ऐसा नहीं लगता कि हमने आज पहली बार देखी है, या फिर कुछ मतलब अलग सा देखा है, तो वही लगता है, और वही उसको देखने से लगता है कि जैसे हमारी अपनी ही रसोई है तो भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपको बता भी देती हूँ मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा कमरा ना, कमरे में उसी तरीके से ना रोशनी हो पाती है, ना कुछ हो पाती है, बाहर का आपको पता ही है इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। कमरे में उस तरफ से सेफ लगी हुई है, तो जो बल्ब की रोशनी है ना, तो वो सेफ से थोड़ा सा ढक जाती है, तो कमरे में अंधेरा अंधेरा सा आता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर ब्लॉग जो है, या तो फिर सफाई वाले का आप समझ सकते हैं कि सुबह के टाइम पे बन नहीं पाते हैं। अच्छा लंच डिनर जो भी बनाना है वो रसोई में बनाना है, उससे अलावा कमरे में तो एक चादर बदलने के अलावा कुछ और कुछ होता ही नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं भूलने लगी ना तो भूलती ही रह जाऊंगी, और पूरा ब्लॉग मेरा हो जाना है इतना बड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ ओके बाय, टेक केयर, ऐसा करती हूँ लाइव वगैरह, तो बाय।